सर नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? सो इस फाइनली मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, वीडा V1, वीडा V1 प्रो दोनों खड़े हुए हैं। तो दिखाता हूँ आपको दोनों स्कूटर। और हाँ, ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ये जो है ना पैक है शीशे के अंदर, तो जो बाहर से अपने को डिटेल दिखेगी और इसकी बैटरी रेंज वगैरह वो सारी चीज़ें तो आपको बताई दूंगा साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ देखते हैं, थोड़ा क्लोज जाके देखते हैं क्या कुछ है इनके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इधर ये जो है ना एक ऑरेंज कलर खड़ा हुआ है इसका, और ये जो है ना शीशे के अंदर पैक है बिल्कुल। बट भाई जो डिटेल्स है ना वो सारे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब वीडा V1 प्रो है ये वाला, मतलब जूम करके दिखाता हूँ। ये नहीं, वो उधर वाले भी भाई प्रो ही हैं। तो लास्ट टाइम जब देखे थे ना भाई, इनके एक एक पार्ट्स पड़े थे यहाँ पे, लेकिन अब की बार ना थोड़ा कर दिया असेंबल। तो चलो वो डिटेल में देखते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं अपन पीछे से अब की बार। तो ये देखो ग्रैब रेल वगैरह खूब बढ़िया दे रखी है, क्वालिटी वगैरह ठीक है, और स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से इसकी टेल लाइट से ऊपर तक आप देखो कितना स्पेस दिख रहा है आपको। ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये उसका नीचे LED टेल लाइट दे रखी है बढ़िया शेप में ठीक है। पीछे जो है आपको लाइक ड्रम ब्रेक मिलेंगे, डिस्क ब्रेक का जो है पीछे ऑप्शन है नहीं। और जो टायर साइज है वो मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट ज़्यादा मोटे टायर नहीं है, पतले पतले टायर लगा रखे हैं। साइड में V1 प्रो की पूरी बैसिंग है, LED इंडिकेटर दे रखे हैं, स्प्लिट सीट दे रखे हैं यहाँ पे। तो सीट वगैरह भी जो ठीक ठाक ही दी गई है, सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों इसके अंदर आपको मिलेंगे। और पीछे जाने इसमें आपको लाइक जो मोटर है वो आपको पीछे इसमें देखने को मिल जाएगी, लाइक टायर के अंदर ही, व्हील के अंदर। तो ये जो मोटर है ना, मतलब आपको टॉप स्पीड देती है लगभग 80 तक की, एंड लगभग जो V1 प्रो है वो आपको रेंज दे देगा 165, एंड V1 प्लस जो है ना आपको रेंज देता है 143 किलोमीटर्स की। लेकिन प्राइसिंग में भी जो है काफ़ी डिफरेंस, मतलब थोड़ा ओवर प्राइस ही लगेगा आपको। नॉर्मल जो अपना ओला वगैरह आता है उनसे थोड़ा महंगा है, तो वो आपको यहाँ पे लग सकता है। बाकी जो फ्रंट देख लो, फ्रंट से ना ये मतलब जो यामा का आता है, हाँ तो यामा का स्कूटर जो बता रहा था ना मैं, रेज एड आर है वो, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है फ्रंट से देखने में, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, मतलब उसके रैली एडिशन वगैरह ये सब आते हैं ना, तो भी कुछ ऐसा ही लगता है। ऊपर LED इंडिकेटर दे दिए, मिरर्स वगैरह ठीक है, आगे विंडशील्ड दे दी, डिजिटल मीटर दे दिया, नीचे LED हेडलैम्प है, दो प्रोजेक्टर दे रखे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और जो टायर है ना, आई थिंक 80 सेक्शन का लग रहा है मेरे को ये। बाकी साइज जो है ना अपन अच्छे से लाइक देख नहीं पा रहे इसमें क्या है क्या नहीं है, पर ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा चौड़ा टायर नहीं है, स्कूटर के हिसाब से ठीक है। सस्पेंशन भी ठीक ठाक दे रखे हैं, ओला की तरह सिंगल नहीं है भाई, टूट के नहीं पड़ने वाला है कहीं पे। बाकी ड्यूअल फिनिश ज़्यादा दे रखी है इसमें, जैसे फ्रंट में गन मेटल ग्रे कलर यूज़ कर रखा है, साइड में ऑरेंज है, इधर ब्लू कलर है ठीक है। तो ये ब्लू कलर इसका, ये भी प्रो मॉडल ही है, और ये जो है चार्ज हो जाता है 3-4 घंटे लग जाते हैं इसको चार्ज होने में। उसका इधर जो है अगेन एक रेड कलर में, एंड ये जो है वाइट कलर में, और ये जो आपको मेटेलिक में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखने में जो सारे स्कूटर से बढ़िया लग रहे हैं, और प्राइस वगैरह जो आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस दी गई है वो देख सकते हो। तो ये है अपना वीडा V1 प्रो, रेंज वगैरह भी ठीक ठाक है, टॉप स्पीड वगैरह भी ठीक ठाक ही दे रखी है। अभी साइड से दिखाता हूँ आपको साइड से कैसा दिखता है। तो ये देखो, तो ये सर क्विक अपडेट। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह, ABS इसमें आपको सिंगल चैनल मिल जाता है, पीछे जो आपको सस्पेंशन मिल जाता है अपने स्प्रिंग सस्पेंशन। तो ठीक ठाक है, मतलब स्कूटर दुनिया देख रही है भाई, पब्लिक रिएक्शन अच्छा खासा आ रहा है। और साइबर हब में जो इन्होंने लगा रखा है पूरा अपना, तो मार्केटिंग का अपना सही है तरीका एक इनका, बीच में अपने लगा दिया, दुनिया देखने लग रही है। तो अच्छा खासा स्कूटर है यार, इसकी राइड भी करेंगे अपन जल्दी, एंड एक डिटेल्ड बैकग्राउंड रिव्यू भी लेके आएंगे। फिलहाल तो एक लाइक क्विक अपडेट मैंने आपको दिया, तो उस हिसाब से ठीक है यार स्कूटर, लाइक अभी देखने में तो ठीक है, बट देखते जब राइड करेंगे तब कैसा है, लाइक जब ये इसकी डिलीवरी वगैरह होगी तो असली पता चलेगा। और एक और चीज़ दिखाऊँ आपको ज़बरदस्त, इसके अंदर बाई ब्री के ब्रेक कैलिपर्स आपको इसमें मिलते हैं, देख रहे हो, तो ये चीज़ है भाई, मतलब क्वालिटी तो ठीक बनाई यार, मतलब कहीं कॉस्ट कटिंग इन्होंने कर नहीं रखी। तो ये साइड में आप मोटर देख सकते हो, साड़ी गार्ड देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा। तो चलिए गाइस, ये तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।